रहमतुल्लाह वबरकातहू। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला हर तरफ रंग ही रंग बिखेर दे, खुशियों के रंग, मुसरतों के रंग, कहकहों के रंग, और जी ये वो खुशियाँ हों जो कि सच्ची खुशियाँ होती हैं। आज आप हमारा सेट देख रहे हैं, रोज़ हमारे सेट पर कुछ नया होता है, आज हमारा सेट आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं आप। ब्लैक और रेड कलर ज़्यादा है हमारे सेट पर आज, तो मैं आज आपको बताती चलूँ कि सतरंगी के भी साथ कितने रंग होते चले आप बताएं। हाँ मैंने बता दिया था पहले तो जी, सतरंगी जो नाम है हमारे प्रोग्राम का, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रोग्राम के रंगों को थोड़ा सा और ज़्यादा बिखेरा जाए। और हमारी सतरंगी वो सात रंगों की नहीं है, मैंने उस दिन भी कहा था हमारी सतरंगी 700 रंगों की है, इसमें बहुत सारे रंग हैं, क्योंकि रंग जितना फैलाएं आप उतने ही फैलते हैं। आप रंगों को आपस में मिलाएं तो बेसिक कलर्स को अगर आप आपस में मिलाएं तो बहुत सारे रंग उससे बनते हैं, फिर उन रंगों को आपस में मिलाएं तो और बहुत सारे रंग बनते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी पेंटिंग की है या वाटर कलर किया है या स्कूल में कलरिंग की है और उन्होंने दो चार कलर्स को आपस में मिला के देखा है तो कुछ अलग ही कलर बन गया। कितने लोगों ने किया ऐसा, है ना, बच्चों ने हाथ उठाया, किया है ना। तो जी रंग वो होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती लाते हैं। जैसे कि अगर आप ब्लैक एंड वाइट टीवी देखने बैठेंगे तो कितनी देर तक देख सकते हैं, अच्छा लगता है आपको अब ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं ना, रंग ही अच्छे लगते हैं ना। तो जी रंग ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं, रंग जो है हमारी लाइफ में, देखें अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो छोटे से छोटा ज़र्रा ही क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई वजह है और उसकी कोई ना कोई हकीकत है और बहुत सारे गहरे राज हैं हर चीज़ में, जो कि अभी इंसान की सोच से कोसों दूर है, क्योंकि खुदा की तख्लीक ही ऐसी होती है कि आप उस पर कितना ही गौर करें तो वो हर चीज़ की जो है पर्दे हटते जाते हैं और वो चीज़ें खुलती जाती हैं खुलती जाती हैं। तो जी रंगों का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है। रंग जो होते हैं वो इंसान की शख्सियत को जो है वो ख़ासकर उदासी की और खुशी की कैफियत को जो है वो उजागर करते हैं। अब जैसे लाल, आज हम जो बात करेंगे लाल और काले रंग पे करेंगे। तो जी लाल रंग के बारे में ये लिखा हुआ है, कांग्या 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 कांग्या, हाँ जी सुर्ख रंग बहुत ज़्यादा खुशी और जोश की अलामत समझा जाता है, इसीलिए पाकिस्तान, चाइना और दीगर मशरकी ममालिक में दुल्हन का ज़्यादातर सुर्ख रंग का जोड़ा होता है। और हमारे यहाँ भी दुल्हन ज़्यादातर लाल रंग का जोड़ा पहनती है और लाल रंग के फूल और हर चीज़ लाल रंग की ही होती है शादी के अंदर, जहाँ देखो लाल 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 बिखरा जाता है कि सोफ़े भी लोग लाल ही रख देते हैं। और जहाँ तक लाल रंग की बात है तो लाल रंग वैलेंटाइंस डे पे भी बड़ा भाई इस्तेमाल किया जाता है, लाल गुलाब, जी हाँ मोहब्बत की अलामत भी है लाल रंग, लेकिन लाल रंग मोहब्बत की अलामत के साथ साथ ख़तरे की निशानी भी है, जब ही तो दुल्हन लाल रंग पहनती है। तो दुल्हन का लाल रंग जो होता है वो शोहर के लिए और ससुराल वालों के लिए खतरे की अलामत होती है जो लाल रंग होता है। तो जी लाल रंग खून का भी लाल रंग होता है, ब्लड का भी लाल रंग होता है, इसीलिए तो माँ अपने बच्चों को कहती है मेरे लाल जरा इधर तो आ, कभी कभी ये भी कहती है अरे लाल पीला क्यों हो रहा है भाई। तो जी ये लाल 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 लाल, कभी कभी ये भी कहा जाता है कैसे टमाटर जैसे लाल गाल हो रहे हैं। तो जी ये सारी चीज़ें हमारे आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, जैसे ख़तरे का मैंने कहा कि निशान होता है लाल रंग, उसी तरह किसी भी चीज़ को ऑन और ऑफ़ करने के लिए जब ऑफ़ किया जाता है तो लाल रंग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मोबाइल के अगर आप बटन्स देखें तो जो बंद करने वाला डिस्कनेक्ट करने वाला बटन है वो रेड कलर का होता है। बहुत सारी जगहों पर दूसरे बटन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक बटन्स जो होते हैं, उनमें भी कभी कभी रेड कलर लगा हुआ होता है कि जी ये ऑफ़ है और ये ऑन है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लाल रंग ख़तरे और गुस्से की अलामत भी समझी जाती है, तो कितनी अजीब सी बात है, जब भी तो गुस्से में इंसान लाल हो जाता है, तो कितनी अजीब सी बात है कि जब मोहब्बत में इंसान से कोई मोहब्बत की बात की जाती है तब वो शर्म से लाल होता है और जब उसको गुस्सा आता है तो वो गुस्से से लाल होता है। तो लाल रंग जो है वो कितनी दो मुखालिफ सिमतों में जाता है, खुशी की सिमत भी है, ख़तरे की भी है, गुस्से की भी है और मोहब्बत की भी है। तो ये लाल रंग तो बड़ा मज़ेदार हो गया, क्यों जी क्या कहते हैं आप लोग।
कितने लोग हैं जिनको लाल रंग पसंद है यहाँ पे? लाल रंग पसंद है, बहुत पसंद है, जब भी तो लाल रंग की लिपस्टिक लगा कर आई हैं। अब जैसे मुझे लाल लिपस्टिक बहुत पसंद है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि लाल लिपस्टिक मेरे चेहरे पे बिल्कुल सूट नहीं करती और लाल लिपस्टिक लगाने से इंसान की उम्र बहुत बड़ी लगती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? नहीं होता ना, ये हुई ना बात। अच्छा जी, लाल रंग की जो बातें थी वो तो हमने तकरीबन कर ही रही हैं, अब हम बात करते हैं ब्लैक कलर की। काला रंग, मुझे तो काला रंग बहुत पसंद है, मेरा सबसे फेवरेट कलर है ब्लैक कलर। और काला रंग जो होता है मुझे ऐसा लगता है जैसे सबसे ज़्यादा, अगर आपने काला रंग पहना है तो आपकी शख्सियत इन्हेंस होती है उसके अंदर, आपकी शख्सियत ज़्यादा निखर के सामने आ जाती है। अगर आप काला रंग पहने तो आप आंखों में काला काजल लगाते हैं तो आपकी आंखें और खूबसूरत लगने लग जाती हैं, लगती है ना? तो काला रंग जो होता है वो मुझे तो लगता है कि किसी भी इंसान को अगर बहुत खूबसूरत दिखाना है आपको तो आप उसको काला रंग पहना दें, वो खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगा। काली चूड़ियाँ हाथों में डाले कितनी प्यारी लगती हैं, वो काले काजल की मैंने बात की। अगर नज़रें बद से बचाना हो तो काले रंग का टीका भी लगा दिया जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ कहती है कि भाई आज काला टीका लगा के जाना वरना नज़र लग जाएगी, चाहे बच्चा खुद ही काला क्यों ना हो कि टीका नज़र ही ना आए उस पर। और जी काला रंग अक्सर, हाँ काली बिल्ली भूल गए हम, वहम की अलामत भी है। काली बिल्ली अगर गुजर गई आगे से तो समझो कि वहम शुरू हो गया। काला जादू, काली चोटी, काले बाल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको काले रंग से तशबीह दी जाती है, जो कहते हैं जी काले घटाओं जैसे बाल होते हैं, और काली घटाएं जब आती हैं तो बरस जाती हैं, बारिश की निशानी भी होती है कि काली घटा आ गई, भाई अब तो बारिश बरसने वाली है। काजल लगाते हैं तो कहते हैं कि जी वो बड़े गाने बने हैं, शेर व शायरी हुई है काजलों काजल के ऊपर, काले लंबे बालों पे हो, जुल्फों के ऊपर। और जी काला रंग जो है कहते हैं कि अक्सर ख़वातीन को काला रंग ज़्यादा पसंद होता है। ये अलग बात कि शादी के बाद सास का अरे बेटिया काला रंग नहीं पहनना और काला रंग महीनों नहीं पहनने दिया जाता नई नवेली दुल्हन को, कहते हैं कि जी ये शोक की निशानी होती है। और वहम भी है कुछ लोगों का कि जी अगर काला रंग पहनेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल है ये वहम के चक्करों में तो नहीं पड़ना चाहिए। और जी सबसे खूबसूरत बात जो अब मैं कहने वाली हूँ वो ये है कि गिलाफ़ काबा भी काले रंग का ही है, तो इस काले रंग को इतनी इज्जत हासिल है, ये इतना मुअज्ज़ज़ है कि गिलाफ़ काबा, अल्लाह ने अपने घर का जो गिलाफ़ काबा है उसको काले रंग का रखा है। कहते हैं कि काला रंग जिन लोगों को पसंद होता है वो बड़ी बारूप शख्सियत के मालिक होते हैं, जैसे कि मैं नहीं वाकई मुझे काला रंग बहुत पसंद है, दूसरों को अपनी तरफ जल्द मायल कर लेते हैं और उनको अख्तियारात और ताकत की निशानी भी समझा जाता है काले रंग को। इसके अलावा इसके अलावा काले रंग के बारे में अगर और मज़ीद बात की जाए तो ये भी कह सकते हैं हम कि बहुत सारे लोग वाकई ऐसे हैं जो कि जब सोग में होते हैं तो काला रंग पहनते हैं और उसके अलावा कोई रंग नहीं पहनते, क्योंकि बाकी रंग कहते हैं कि जी खुशियों के रंग होते हैं, दोस्तियों के रंग होते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि काला रंग जो है, मैंने बताया कि उसको क्या इज्जत हासिल है काले रंग को। तो जी आज हम बात करेंगे काले और लाल रंग की। हमारे साथ आज बहुत सारे मेहमान भी मौजूद होंगे जो इस कलर के बारे में भी बात करेंगे और इस कलर को पहनने वालों की शख्सियत या इस कलर की वजह से, कुछ लोग तो डरते भी हैं काले रंग से जब रात को घुप अंधेरा हो जाता है और फिर उनको डरावने डरावने ख्वाब आते हैं और फिर वो जल्दी से कहते हैं भैया एक लाइट जला दो, बड़ा डर लग रहा है मुझे, तो काले काले हेवले नज़र आ रहे हैं, उनको अंधेरे में भी हेवले नज़र आ रहे होते हैं वो भी काले रंग के। फिर हमारा जो साया होता है वो भी कुछ डार्क ही होता है। तो जी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आज हम बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में, आप हमारे साथ रहिएगा। जी क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक पैकेज है हमारे पास काले रंग का, वो हम आपको दिखाते हैं। जी सियाह रंग उमूमन उदासी, मौत और सदमात का रंग कहलाता है, इसीलिए हमेशा माशरती बुराइयों को सियाह रंग से जाहिर किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस तरह सफेद रोशनी बहुत से रंगों से मिलकर बनती है, ऐसे ही सियाह रंग सब रंगों को जज्ब करने की सलाहियत रखता है। दरअसल सियाह रंग इख्तियारात और ताकत के निशान को जाहिर करता है, क्योंकि सियाह रंग तमाम जज्बात का हामिल समझा जाता है। इसीलिए सियाह रंग पसंद करने वाली शख्सियात हमेशा हार्ड स्टोन कहलाती है।
स्याह रंग पहनने वाली खवातीन पतली और पुरकशिश नजर आती हैं। इसके अलावा वो दिखने वाले को अपनी जानिब जल्द माइल कर लेती हैं। हाँ जी, अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे पास आज बहुत सारे मेहमान मौजूद होंगे, हम बहुत सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे, मेकअप पे भी बात होगी, ये हमारे सामने स्टोन्स रखे हैं, पत्थर रखे हैं, उन पे भी बात होगी, इसके अलावा और बहुत सारी बातें होंगी मज़े मज़े की। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी आज बिखेर रही है आपकी ज़िंदगियों में कुछ नए रंग। और आज हम देख रहे हैं आपके कलर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें लाल रंग और काला रंग शामिल है। और फिर मैं कहूँगी लाल रंग खुशी का रंग, काला रंग कहते हैं शोक का रंग। तो आज इस पर मज़ीद बात करने के लिए मैं जिस शख्सियत को यहाँ पे बुला रही हूँ, पाकिस्तान में रेकी माइंड साइंस और योगा इंस्टीट्यूट के बानी हैं। वो दुनिया भर में इससे रिलेटेड वर्कशॉप्स का इनेकाद कर चुके हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ डॉक्टर मुइस को। चले जी, जहाँ दिल करे बैठ जाए। चले, वो चाय मेरी वहां रखी थी। चाय वहां रखी है तो फिर आप उधर ही आ जाइए, कोई मसला नहीं है। सबको सलाम जी। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं काले और लाल रंग के बारे में? देखिए, हर रंग की कुछ खसूसियात होती है। हाँ। क्योंकि हर रंग में ख़ास किस्म की इरताश होती है जी। मगर माशरा, सकावत, तहजीब ये मुख्तलिफ़ रंगों को मुख्तलिफ मिथ के साथ जोड़ती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो मनहूस समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, और इंग्लैंड के अंदर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो गुड लक समझा जाता है, यानी यहाँ बैड लक और वहाँ गुड लक। मेरी एक फ्रेंड है अमेरिका में, नीरा नाम है उसका, उसके पास 12 काली बिल्लियां हैं, और वो कहती है कि जिस दिन से मैंने इनको पाला है, बिल्लियों को, काली बिल्लियों को, उस दिन से मेरी लक चेंज हो गई है और मैं अमीर से अमीर तर होती जा रही हूँ। जैसे जैसे ये बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे मेरा कारोबार बढ़ता है। बिल्कुल है, इसलिए कलर की अपनी एक ताकत है, कुवत है। जैसे ब्लैक स्याह कलर जो है वो रोशनी को जज्ब कर देता है, और स्याह कलर की सबसे बड़ी ताकत इस कायनात में जो है वो आफाक में एक चीज़ होती है आसमानों पे, उसे कहते हैं ब्लैक होल। ये ब्लैक होल जो है वो पूरी की पूरी, आप समझें कि हमारे निज़ाम शमसी में अगर इतने कुर्रे हैं तो कहकशा में कितने निज़ाम शमसी हैं और कितनी कहकशाएँ कायनात में मौजूद है। जब वो ब्लैक होल के करीब आती है तो वो उसको जस्ब करके पूरी की पूरी कहकशा को गायब कर देता है, यानी मादे को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के अंदर। तो ये ब्लैक होल एक ब्लैक के हवाले से बड़ी मिसाल है। फिर ब्लैक का माशरे में बड़ा है, फॉर एग्जांपल एक तरफ ब्लैक जो है वो गम की निशानी है, अंग्रेज़ जब मरता है तो काला कोट पहनाया जाता है, घर वाले काले कपड़े पहन के आते हैं, काली गाड़ी में आते हैं, जिनको ताज़ियत दी जाती है वो काली गाड़ी में आते हैं, मगर यही काला कपड़ा जो है वो जज पहनता है, अथॉरिटी की अलामत है, ताकत की अलामत है, लॉयर पहनता है, अगेन बहस की अलामत है। तो काला स्याह रंग जो है उसमें ख़ास किस्म की मिस्टिक है, एक ढकी छुपी चीज़ है, एक ताकत है, कुवत है, एक अथॉरिटी है। कई जगह ख़ास फंक्शन हो तो उसमें ब्लैक टाई पहनी जाती है। ब्लैक टाई अथॉरिटी को और पावर को सिग्निफाई करती है। कहते हैं जिन लोगों को ब्लैक कलर पसंद होता है वो बहुत गहरे लोग होते हैं, और डेफिनेटली yes, बड़े color, बड़े रास छुपे yes, होते हैं। यस, ब्लैक कलर के अंदर छुपी हुई चीज़ें होती है, हर किस्म की चीज़। लेकिन ऐसा क्यों है कि काले रंग से ही आपको खौफ आता है? अगर आप किसी कमरे में हो और वहाँ नीली या हरी रोशनी हो या लाल रंग का कुछ आपको वो रोशनी हो तो आपको डर नहीं लगता, लेकिन अगर वो ही कमरा काला हो, अंधेरा हो। अच्छा, तो आपको काला होना और रोशनी ना होना ये अलग अलग चीज़ है। जब रोशनी नहीं होती तो उस कैफियत को हम कहते हैं अंधेरा। अंधेरा का काले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दो अलग अलग होता है ना। काला होता नहीं है, आपको रोशनी ना होने की वजह से काला लगता है आपको, मगर काला अलग चीज़ है, अंधेरा अलग चीज़ है। तो अंधेरे में डर लग सकता है मगर ब्लैक कलर से डर नहीं लगता, ब्लैक कलर अलग चीज़ है। आप ब्लैक कलर का कमरा होगा तो कमरा जो है वो बहुत छोटा लगेगा, आपको पता है आपकी मॉडल वगैरह ब्लैक कलर पहनती है ताकि वो स्लिम लगे,
वेट कम लगता है ब्लैक कलर आप में। मुझ पे ये बात नहीं, नहीं आपके नहीं आप भी तो सेलिब्रिटी में एक है ना। तो ब्लैक कलर की ये सिग्निफिकेंस है कि ये बड़ी पावर एग्जीक्यूट करता है। तो ब्लैक कलर पहनने से भी पावर बहुत आती है, याद रखिए, बड़ी कुवत आती है, अथॉरिटेटिव महसूस करता है इंसान, और बड़ा सीक्रेटिव, छुपी हुई चीज़ें उसके अंदर बहुत सी चीज़ें। अब ब्लैक के आप मिसाल देते, ब्लैक मार्केटिंग जी, ब्लैक बॉल, ब्लैक मनी, ब्लैक बेल्ट, अब ये सब ताकत की निशानी है, सब अनयूजुअल चीज़ों की निशानी है। अच्छा जी, अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनको भी बुलाते हैं। 14 साल से इस फील्ड से मुंसलिक है, कीमती पत्थरों पर भी डिप्लोमा किया है, हमारे बहुत ही प्यारे, पहले भी आ चुके हैं हमारे पास, और आज उनसे कुछ हिसाब चुकता करना है, मुझे जरा आने दें आज उनको। आपकी बहुत सारी तालियों में हारिस अजमी। कैसे हैं आप? I'm perfectly all right. भाई आप तो मुझे कह के गए थे अक्टूबर का जो महीना होगा उसमें इतना पैसा आएगा, आया एक तो रुपया भी नहीं आया। खबरें बताती नहीं है, आता बहुत है। नवंबर शुरू हो गया, कहाँ आ रहा है ये? बैंक में भी नहीं है, मालूम किया था मैंने कि शायद वहाँ कोई किसी ने डलवा दिया हो। सबसे कामयाब जा रही हूँ फिर भी पैसे नहीं आ रहे, अंदाजा करें। पैसे का कामयाबी से क्या ताल्लुक है? ये, पैसा ही ये बात। बहुत सारे कामयाबी लोग, कामयाब लोग ऐसे इनके घर में बेचारों के खाना भी नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये हाल है। बहरहाल ये नवंबर का पहला झूठ है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? अच्छा चलिए पत्थरों पे आज बात करते हैं। बिल्कुल, काला और लाल, जैसे रूबीज भी बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, रूबीज का क्या वो होता है, इफेक्ट होता है जिंदगी? रूबी अपने लाल रंग की वजह से तो बहुत ही मशहूर है, बट रूबी में स्पिरिचुअल साइंसेस की सबसे बड़ी पावर्स हैं। रूबी वो स्टोन है जिसका कुरान में जिक्र है, याकूत और मरजान, रूबी को उर्दू में याकूत कहते हैं। तो एबिलिटीज़ के अतबार से लाल कलर कलर ऑफ प्लेजर कहलाता है, कलर ऑफ स्टेबिलिटी, कलर ऑफ पीस। सो उस एतबार से रूबी में जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो इंसान के अंदर स्टेबिलिटी, पीस, कॉन्सेंट्रेशन, बामकसदपन, ये सब लेकर आते हैं। अकीक भी रेड कलर का होता है, अकीक प्योरली रेड नहीं होता, ऑरेंजिश रेड होता है, और लेकिन ब्लैक ब्लैक अकीक क्लास तो वही है ना रेड जी, बिल्कुल। लेकिन अकीक की केमिस्ट्री कलर डिफरेंट है, उनकी केमिस्ट्री सेम है, उससे सूफीज्म डेवलप होती है, अखलाकियात। सुन्नत भी वही, जर्द अकीक जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना, और अकीक की जो क्वालिटीज़ हैं उसके एतबार से मतलब ये कहा जा सकता है कि इंसानी ज़िंदगी में वसवसों को टालने के लिए अकीक यूज़ होता है। और एक मज़े की बात बताऊं, दुनिया में मैंने तो कम से कम जितने भी सूफीज़म के लोगों को पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों को पढ़ा, देखा, वो कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने अकीक ना पहना हो, सब ने ही पहना था। तो हज़रत अली से लेकर जो जो हमें मिसालें मिलती हैं, हज़रत अली से लेकर आज तक, मतलब जो अभी के एशियन जो सूफी थे वो सब अकीक पहनते थे, और तोहफ़तन अपनी अगर कोई खैर और हाँ वो ही गिफ्ट करते थे, अकीक ही गिफ्ट करते थे। कहते हैं कि अकीक जो होता है वो जब कभी किसी के ऊपर कोई परेशानी आनी होती है, कुछ आना होता है, तो वो टूट जाता है और अपने ऊपर ले लेता है वो परेशानी। ये तो मिथ है, बहरहाल ये तो मिथ है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। ऐसा कभी हुआ ज़रूर होगा कि कुछ ऐसे सीवियर रेडिएशन आई हों जिससे स्टोन जो है उसकी कैपेबिलिटी, अगर कोई बात होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है ना, कोई राज बेस तो होगा। मिथ ऐसे ही तो नहीं बन जाती किसी ने ख्वाब देखे, दो चार वाक़यात ऐसे हुए होंगे, बट ये रूल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है जिमोलॉजी का कि ऐसा हर दफ़ा ही होगा। तो एशियन कंट्रीज़ में ऐसी मिथ्स पे बहुत बिलीव किया जाता है, मिस्टीरियस चीज़ों पर बहुत बिलीव किया जाता है, बट ये ब्लैक अकीक है, सुलेमानी एक नस्ल का अकीक है जो कि अपनी करारापन में अपने खड़कता है वो। अच्छा। और वो ब्लैक होता है, बहुत खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा ये जो चौकोर फार्म है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इस पे ये एक तबका फिक्र है जो कि लिख के कुछ पहनता है। अच्छा, तो तावीज़ात का लिखना या अपने अकायद के मुताबिक चीज़ें लिखकर ब्लैक अकीक पर ही यूज़ किए जाते हैं। तो नहुसत को दूर करने के लिए, नज़र बद को दूर करने के लिए, ईवल स्पेल्स को दूर करने के लिए ब्लैक कलर यूज़ होता है। ये अकीक सारे असली हैं? दीज आर ऑल रियल। अच्छा मुझे बताना नहीं चाहिए था वैसे। चलो भाई अब तो देखिए यहाँ से कैसे कैसे गायब होंगे आप। देखिए ये रूबीज लग रहे हैं मुझे, दीज आर रियल रूबीज है ना। हाँ, देखने से पता चलता है रूबी है, क्योंकि जो रियल चीज़ें होती हैं उनमें इतनी ज़्यादा क्लियर वो नहीं होती, उनके अंदर जैसे हमारे हाथों में लकीरें होती हैं उस तरह पत्थरों में भी लकीरें होती हैं। हाँ, रूट्स
रूट्स तो स्टोन्स में पाई जाती है इंक्लूजन, बट रूट्स वाले स्टोन सस्ते होते हैं, क्लियर क्रिस्टल जो क्लियर होंगे वो महंगे होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया कि जब आप पत्थर पहनते हैं तो उसका रंग बदल जाता है या उसका शेप बदल जाता है या उसकी मैंने ये अकीक पहना था आज से 5 साल पहले और इसका जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना कुछ ऑरेंज होता जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे थ्योरी बताऊं, हीट एक्सचेंज होती रहती है। हीट एक्सचेंज होने से व्हेन ये ग्रेविटेशनल एनर्जी जो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जीज हैं जब लेता है तो ये डार्क होता है, और जब इसकी जान निकल के आपकी तरफ आ रही होती है तो भी बेचारा तो ये लाइट हो गया बेचारा, सारी तो जान निकाल दी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि काला रंग किसी थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? थेरेपी के लिए किया जाता है इस्तेमाल, स्पेशली अगर कोई किस्म का फोबिया या फियर फोबिया हो और उसकी थेरेपी में काला रंग इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, रेड इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी मोटिवेशन के लिए, सही, इंस्पिरेशन के लिए, पैशन के लिए, हिम्मत के लिए, कुव्वत के लिए, ताकत के लिए, जज्बात को बढ़ाने के लिए। कहते हैं कि टॉर्चर देने के लिए भी लाल रंग इस्तेमाल, लाल इसलिए कि खून का कलर लाल है ना, तो इस वजह से टॉर्चर के अंदर जब खून बहता है तो वो लाल से कनेक्टेड होता है। नहीं, मैंने सुना है कि लाल रंग का बल्ब लटका देते हैं मुंह के ऊपर, वो तो इसीलिए कि आपको सोने नहीं दिया जाता रात को, और आपको हर थोड़ी देर बाद वो मुख्तलिफ किस्म के टॉर्चर्स होते हैं, उनमें से एक है कि बल्ब बिल्कुल आपकी आंखों के, क्योंकि रेड रंग जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है, बड़ा ब्राइट होता है कंपेयर टू येलो, ऑरेंज और कोई और कलर, तो वो आपकी आंखों को बड़ा चुभता है। आप देखें जितने भी हवाई जहाज़ हैं, रात को जब हवाई जहाज़ में आप सफ़र कर रहे हैं तो वो जो रोशनी होती है हवाई जहाज़ के अंदर वो आँखों पर भारी नहीं होती, बड़ी हल्की रोशनी होती है, वो ऑफ वाइट कलर की रोशनी होती है जहाज़ के अंदर जिस वक्त लाइट ऑन होती है, लाइट ऑफ होती है फिर तो कुछ और बात होती है। तो रेड कलर जो है वो चूँकि स्टिमुलेट करता है आपकी नर्वस सिस्टम को भी, ठीक है, इसीलिए जिस बच्चे के अंदर उसका कुन जहन हो, वीक हो, सुस्त हो, काहिल हो, उसको रेड कलर का पानी बना के पिलाएं या रेड कलर की कपड़े पहनाएं तो उस बच्चे के अंदर एक्टिविटी ज्यादा आ जाएगी। अच्छा, ये भी होता है ना कि जब आप सोते हैं रात को तब नाइट बल्ब भी अक्सर लाल रंग के होते हैं? नहीं नहीं, ब्लू, जरूर ब्लू, ब्लू नहीं, रेड भी होते हैं, वो रेड वाले गलत होते हैं, ब्लू होने चाहिए, गलत है, उससे तो दिमाग चलना शुरू होता है, उससे लाल भी होते हैं लोग, तो लाल भी जलाते हैं, अवेलेबल होगा उस घर में तो उन्होंने लगा लिया होगा, वैसे नहीं लगा, आइडियली ब्लू। अच्छा जी, हमारे दो और मेहमान मौजूद हैं, हम उनको बुलाते हैं, नया नया जोड़ा है, शादीशुदा जोड़ा है, तो हमने कहा जब लाल रंग की बात हो रही है तो फिर नए शादीशुदा जोड़े को भी क्यों ना बुलाया जाए, तो आपकी बहुत सारी तालियों में परी हाशमी और साकिब। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, आइए बैठिए। पहले तो ये बताएं कि कैसी गुजर रही है शादी के बाद? अच्छी गुजर रही है। हाँ, और आप बताइए? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि लाल रंग जो होता है वो खुशी की अलामत के साथ साथ खतरे की अलामत भी होता है, इसीलिए दुल्हन लाल जोड़ा पहनती है ताकि अवेयर कर रही होती है कि भाई खतरा आ रहा है, जैसे वो एक सायरन बजता हुआ आता है लाल रंग का, डू 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 डू, ये वाला सायरन होता है जो जिंदगी में बजता हुआ आता है और फिर बजता ही रहता है। बिल्कुल सही। नहीं, खतरा तो नहीं है, रुकना भी कहते हैं पूरी दुनिया में, हर ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है। हाँ, वो भी मैंने भी बात की थी कि लाल स्टॉप के साइन की निशानी होती है मोबाइल में भी, आपके जब अपने कॉल वो करनी होती है डिस्कनेक्ट तो रेड कलर का बटन होता है, ऑन ऑफ के लिए भी रेड इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिगेड भी रेड होती है। हाँ, सारे रेड होते हैं। दुल्हन से मुझे एक बात याद आई, मैंने कहीं पर पढ़ा था, कोई ऐसा समझता क्या था, वो ये था कि लड़की की बहादुरी पे था, मुझे कि लड़की की बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लड़का जब बारात लेकर आता है लड़की को लेने तो 500 लोगों को लेकर आता है और लड़की जवान की बच्ची ले जाती है। कैसे रंग के कपड़े पहने थे शादी में? रेड, रेड ट्रेडिशनल। आपने वलीमे में ब्लैक पहना? मैंने ब्लैक पहना, ब्लैक पहना। वैसे मर्द ज्यादातर, अच्छा आप, ओ हो, मैचिंग तो चेक करें कोई, क्या बात है भाई, जबरदस्त ये हुई ना बात। रेड टाई और रेड रुमाल और ब्लैक सूट, और अक्सर ये वैलेंटाइन डे पे भी पहनते हैं लोग, तो अब आप बचा के रखिएगा, फरवरी आने वाला है। तो अच्छा, रेड कलर पहना था, लिपस्टिक
रेड कलर की लगाई थी, लिपस्टिक मरून शेड में था लेकिन रेड ही मरून कोई रेड की टोन में चला रहा था ना। तो कैसा रहा शादी वादी? माशाल्लाह आप कहीं घूमने फिरने गए? हाँ गए थे हम लोग। कहाँ कहाँ गए थे? हम गए थे पाकिस्तान टूर पे, गए थे पाकिस्तान टूर। हाँ नारान का, सैफुल मलूक गए जी, सैफुल मलूक। हाँ यहाँ तो जरूर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस झील में धक्का भी देकर आ जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। सैफुल मलूक गए थे वहाँ पे, जो हमें मतलब हमने घोड़े पर राइड ली थी, हम आगे तक गए थे, ग्लेशियर था वहाँ पे, वो देखने गए थे ना, बर्फ मैंने देखी नहीं थी, बर्फ देखने गए थे। तो वो हमें कोई अलग ही कहानियाँ सुना रहा, परियों की कहानियाँ सुनाया जा रही होता है। हाँ, वो सैफुल मलूक के बारे में बता रहा था कि अच्छा हर बंदा अलग कहानी सुनाता है वहाँ पे कोई परी देखी अपनी परी को देखा इसके अलावा? अपनी परी के सामने तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आया होगा? अभी नई नई है ना? नहीं हो पुरानी हो है? मैं कह रहा हूँ नई हो पुरानी हो यही है। जब पुरानी हो जाती है ना तो फिर बैठी हुई होती है ना सामने, तो नजर नहीं आती है। इग्नोरेंस चल रही होती है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मुझे वैसे तो ब्लू पसंद है। अच्छा और आपको? ब्लैक। ब्लैक कलर पसंद है। वाह वाह, अभी यही बात हो रही थी कि ब्लैक कलर पसंद करने वाले बड़े गहरे और होते हैं और बड़े राज दफन होते हैं उनके दिलों में। तो भाई कौन से राज दफन है हमें भी बताएं। चलो बता ही नहीं, मतलब दूसरे बंदे ने आपको बोल दिया। अच्छा इसको सबसे ज्यादा चढ़ा ब्लैक कलर से। अच्छा मेरी जितनी मेरे तकरीबन कोई अच्छी खासी 7-8 शर्ट्स हैं अच्छे खासी सारी तकरीबन ब्लैक कलर में। तो ये मुझे नहीं पहनने देती, डेली ब्लैक, मतलब ब्लैक पे अगर मतलब थोड़ा सा डार्क ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट ब्लैक हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, डार्क नेवी ब्लू हो जाएगा, इसमें कलर ही नहीं है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मेरे तकरीबन जो घर में जो कपड़े हैं जो मैं पहनती हूँ ब्लैक हैं। तो मुझसे सऊद कहते हैं कि तुम रोज एक ही शर्ट पहनती हो, चेंज करके पहनती हो। अच्छा क्योंकि थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज होता है, इतना ज्यादा पता नहीं चलता, तो काले ही रंग होता है। और मजे की बात मैं बताऊँ, मेरी जब नई शादी हुई उसके शादी के तकरीबन कोई कुछ दिन के बाद बकरीद थी, तो मैंने घर में फंक्शन था बड़ा ज़बरदस्त, तो मैंने बहुत लोग आ रहे थे, मैंने कहा भाई आज मैं ब्लैक और रेड कलर पहनूंगी। वैसे तो मैं सब बहुत पतली थी लेकिन मैंने कहा चलो ब्लैक और रेड मैंने पहना और मैं बड़ी तैयार हो गया अपनी तरफ से ना, नीचे उतरी, मेरी सास ने कहा इधर आओ चलो कपड़े बदल के आओ। क्या काला रंग पहन लिया है, अभी 5-6 दिन हुए शादी को। और फिर वो मैंने फिर चेंज किया पीले रंग के कपड़े पहन के, साड़ी पहन के ही पीले रंग की। हाँ। तो मुझे भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और सऊद तो एक दफ़ा तो इतना ज़्यादा चिढ़ गए थे, सुनने का भाई किसी ने कहा है कोई ख्वाब में कोई आया था कि काले रंग के अलावा कुछ नहीं पहनना आपने। तो मुझे शुरू से ही पसंद है, और जिनको ब्लैक कलर पसंद होता है ना वो कभी कोई और कलर ज़्यादा ट्राई नहीं करते। लेकिन मैंने अक्सर कभी कभी कुछ ट्राई कर भी लिया तो दूसरे कलर्स भी अच्छे लगते हैं, लेकिन काले की अपनी ही बात होती है। अच्छा काले में पतले भी लगते हैं। ज्यादा डार्क कलर्स पसंद करता है जी, ब्लैक कलर जो यूज करते हैं वो डार्क कलर्स को ज्यादा पसंद करता है। और ख्वातीन की तो जान होती है, वैसे साइन ऑफ सारोनेस है, साइन ऑफ ग्लूमीनेस है, बट फिर भी खवातीन सबसे ज्यादा पहनती हैं। हम लोग एहतजाज के दिन पहनते हैं ब्लैक कलर। पट्टियां पूरी दुनिया में पट्टियां ब्लैक काली पट्टियां भी बांधते हैं। मगर असल चीज ये है कि देखें अब जैसे आपको ब्लैक पसंद है आप ब्लैक पहने, क्योंकि जो चीज इंसान पसंद करता है और वो पहनकर जाता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। अगर आप पर कोई और चीज हावी कर दी गई और आपको वो पसंद नहीं है तो अंदर एक तजाद चलता है ज़हन के अंदर, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो तजाद जो है वो आपका कॉन्फिडेंस खत्म करता है। तो जो कलर आपको पसंद हो पहने, सारे कलर अल्लाह ने बनाए। तो अब ऐसा भी तो नहीं है कि रोज ब्लैक रोज ब्लैक, अच्छा है ना, नजर नहीं लगेगी। अब देखिए अगर ये कोई बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव होते न्यूयॉर्क में तो फिर ये ब्लैक ही पहनते, वहां सब ब्लैक सूट पहनते। और अगर ये वकील होते तो आप पैसे वॉल स्ट्रीट पे सारे ब्लैक में होते। मैंने कहा वकील तो नहीं है ना, वकील ने वकील होते तो क्या करते, सारी जिंदगी ब्लैक पहनना है उसको। चलिए सही है जी, अच्छा ब्रेक का टाइम हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हारिस साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद में हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हमारे सेट पे जो चार चांद लगाए, जो सजावट की है, ये की है, इसका क्रेडिट जो जाता है वो आँच इवेंट्स को जाता है। और महक ने ये बहुत खूबसूरत यहाँ पर हमारा सेट सजाया है और रात गए तक वो उस पर मेहनत करती रही है। तो जी आँच इवेंट से महक के लिए बहुत सारी तालियां।
एक और गेस्ट को मैं बुलाऊंगी, आपकी इजाजत है? जी जी बिल्कुल। एक और गेस्ट को मैं बुलाना चाहूंगी, आज ये हमें बताएंगी कि रेड कलर की स्ट्रीक्स जो होती हैं बालों में वो कैसी की जाती हैं और कैसी लगती हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मैं बुला रही हूँ जूरी सलोन से फरजाना मिर्जा। तो बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कर रही हैं आज आप? बड़ी चीज़ें रखी हुई आज आपने, ज़रा हम चेक तो करें। तुमने कभी कराई है रेड कलर की स्ट्रीक्स? नहीं। रेड कलर की लो लाइट्स होती है, स्ट्रीक्स नहीं होती। लो लाइट्स हुई। अच्छा, आपने क्या किया हुआ? मैंने एक्सटेंशन लगाई है रेड कलर की, इस पर मैंने। आज आप क्या कर रही हैं? आज मैं लो लाइट्स कर रही हूँ इसी कलर की, रेड कलर की। अच्छा, डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर होगा, इसमें कोई ब्लीच नहीं होगी, बाल डैमेज नहीं होंगे। सही, स्ट्रीक्स में तो ब्लीच किया जाता है जी। बिल्कुल, पहले बालों का कलर कट किया जाता है, देन फिर आपने जो भी कलर उस पर अप्लाई करना होता है फिर करना होता है। सही, तो आप किसका कर रही हैं वैसे? आज मैं इनका कर रही हूँ। आइए जी, बहुत सही तालियां इनकी मॉडल के लिए। माशाल्लाह, बड़े लंबे बाल हैं जी। इनका मैं क्राउन पे करूँगी, कुछ इफेक्ट दूंगी और थोड़ा सा इनका बॉटम्स पे भी दूंगी। अच्छा, नीचे वाले तो मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए क्योंकि टाइम लगेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत सही तालियां बजाइए जी इनके लिए। और आप काशिफ भाई, नया जोड़ा बैठा है हमारे साथ यहाँ पर शादीशुदा, बड़े लाल रंग की टी शर्ट, इधर तो आए जरा। सलामुलेकुम, कैसे हैं आप? खैर मुबारक। बड़े लाल रंग की टी शर्ट ब्लैक, इधर काशिफ भाई को चेक करें जरा, खड़े हो जाए काशी में, देखे तो सही, चीखता हुआ लाल रंग चीख रहा है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ये अच्छी बात, चीखता हुआ। काशी में क्या गाना गा रहे हैं इन दोनों के लिए? कोई गाना लाल और काले की बात चल रही है, है? आज तो गाई इनके लिए गाए ना, आज आप नया जोड़ा है, क्या गाएंगे इनके लिए? भूल गए। आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थी। चलो भाई, ये तो फरमाइश करती नहीं, उनके मियाँ को काला रंग ही नहीं पसंद और वो लाल पहन के बैठी है। कोई और गाना, कोई और। काशी भाई को मैंने फंसा दिया। वो गाले झूम कौन सा था? नहीं, कौन सा कह रहे? नहीं, कोई और सुनाए। चले, शादी वादी का कुछ सुना दें अगर, या कोई नए जिंदगी में आने वाला जो होता है ना उसके लिए कुछ सुना दें। जब तक हम एक और गेस्ट को बुला लें अपने, हैं जी, है, आप गाना अच्छा सा सोचे को इन दोनों के लिए। और जब तक हम एक और गेस्ट को बुलाते हैं, बहुत ही मज़ेदार से हमारे फनकार हैं, बहुत दफ़ा हमारे पास आ चुके हैं और बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मिस्टर एंड मिसेस टीपू। बेटर टीपू, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सऊद भाई कैसे हैं? वैसे ही हैं जैसे थे, 10 साल पहले मिले थे। कोई चेंज नहीं आया माशाल्लाह, ये देखो माशाल्लाह, वैसे के वैसे ही। एक डरने की बात नहीं है। इनके भी होंगे कभी 10 साल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, लाल रंग, वाह 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 वाह, प्यारी लग रही हैं आप लाल रंग में बहुत ज्यादा। आपको पसंद है रेड कलर? ओह, मेरा तो कलर ही रेड है। हाँ वाकई, आपको कौन सा? एरीज है ना, एरीज का तो जो कलर है वो है ही। तस्वीरों के अंदर वो कहते हैं ना, गोरे कलर पे रेड कलर ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। हाँ, और काला भी अच्छा लगता है। काला भी बेगम सलो बड़ा पसंद। हाँ, मुझे भी ब्लैक बहुत पसंद है। और जी, उनके हस्बैंड को ब्लैक पसंद है और वो कहती है ब्लैक ना पहनो। देखो, जो ये कहती है वही पहन मेरे भाई। ये मैं तुझे बता दूं, क्योंकि तूने ब्लैक के साथ नहीं जीना, इनके साथ जीना। तो जिंदगी आप आया करें ना घर पे, आप क्यों नहीं आते हैं? आप आया करें। हाँ, मेरी बहन क्या कहते हैं, मुझे अपने घर जाने का कम टाइम मिलता है। हमें, तुम्हें पता है कि हम जो काम करते हैं, शूटिंग की सुबह 10 बजे गई, रात को 10-11 बजे आए, जो थोड़ा सा टाइम बचता है। लेकिन इंशाल्लाह हम आपके घर जरूर आएंगे, आपके लिए मिठाई लेकर आएंगे और आप
बस खुश रहे, तुम इसकी बातें मानते रहोगे तो जिंदगी ओके टेक रहेगी तेरी। हाँ, खुश रहो और जल्दी जल्दी लाल गुलाब खिले तुम्हारे आंगन में। आमीन। आमीन। जैसे आप क्या करते हैं? मैं होता बिग बैंग एंटरटेनमेंट में हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं अभी तो एसोसिएट हूँ। अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। जी काशिफ भाई आ जाइए, गाना सुना दीजिए अब जरा। काशिफ भाई आप दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं यार। और लाल रंग पर नहीं, आप दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं यार, परहेज करें यार। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, मिलने से पहले सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, मिलने से पहले अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा दिखा मुस्कुराओ। खुशबू का फूलों से सदियों का रिश्ता है, गीतों का सुर जैसे लगढ़ जाता है, मेरा मन तेरा मन वैसे ही मिलता है, अब दिल से दिल मिलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। मेरा ख्याल है उधर जरा मैं देखूं क्या हालात चल रहे हैं। हाँ जी, कितना हो चुका काम? जी मैंने इनकी फॉइल्स लगा दी हैं। सही। अब ये 30 से 35 मिनट्स में कलर आ जाएगा। अच्छा, फॉइल पेपर का क्या फ़ायदा होता है ज़रा बताइए मुझे। इसे हमने डायरेक्ट लिफ्टिंग का जो कलर जी दिया है, इस केमिकल के प्रोसेस में हमें इसको कवर करना है, तो फॉइल उसको बिल्कुल पैक्ड कर देगा और उसका जो कलर का जो एक्शन है वो तेजी से जो है वो पैक करने से या फॉइल में, मेरे ख्याल फॉइल से हीट भी मिलती है ना? हीट भी मिलती है और एयर भी अंदर नहीं जाती, तो उसकी वजह से कलर प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। सही। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे छोटी सी और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि जी मजीद हमारे पास कौन कौन से गेस्ट मौजूद हैं और आज बहुत कुछ होने वाला है। सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे हम, आज हम कुछ गेम्स भी खेलेंगे आपके साथ, छोटे छोटे एक्टिविटी भी होगी। और आप लोगों में से मुझे बताएं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग कितनी शादियों में कितनी ख्वातीन ने रेड कलर पहना था? चले, अच्छा बाकियों का क्या था? माइक लीजिएगा ज़रा, किसने लड़के लाल रंग पहना था ये बताएं पहले। हाँ हाँ, ये भी होता है ना आजकल, तो अब चेंज भी होता जा रहा है ना चीज़ें। हाँ जी, माइक लीजिए, माइक में बात कीजिए, माइक में क्या हो गया मुगल, माइक दे दो। हाँ जी,
रेड कलर थी रेड के लिए, लेकिन मैं रेड पहनने नहीं लड़ी थी। हाँ। मैंने कहा था यार रेड हर कोई पहन रहा होता है, मुझे कुछ और डिफरेंट कलर नहीं, इन्होंने ये लड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने, तुम कौन सी दुनिया में हो भाई, छोड़ दो वो मॉडर्न लोगों की बातें हैं, वो लाल ना भी पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे लोगों के लिए लाल ही सही रहता है। दुल्हन लाल के बगैर अधूरी है। ये यही कहते हैं कि दुल्हन लाल के बगैर अधूरी है। रूसी रंग है ना, इसीलिए शायर ने कहा है क्या? ये लाल रंग कब हमें कभी नहीं छोड़ेगा छोड़ेगा। अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। ज्वाइन किया है सना अस्करी और मिनहाज अली अस्करी, बहुत सारी तालियां दोनों के लिए। ये इतना शोर किसके लिए मचाया गया है? सना के लिए, मिनहाज के लिए, मेरे लिए है, दोनों के लिए, सबके लिए, सबके लिए भाई। अचानक से इनको ख्वाब आया कि हमें शोर मचाना चाहिए। मैंने कहा भाई बड़ा शोर मचा है, पर मैं बिल्कुल वैसे की वैसे ही, एक पाउंड भी कम नहीं हुआ मेरा। एक पाउंड अगर कम हो जाता ना तो मजा आ जाता। नहीं नहीं पाउंड्स तो बहुत कम हो रहे हैं लोगों के तस्वीरों में, तस्वीरों में हो जाते हैं लोग ये करें। नहीं वो तो यूं करें आप, तस्वीरें 10 पाउंड गए अभी कर रहे थे, यूं करें 10 पाउंड बढ़ गए लोग ही तो कर रहे थे। ये जो आजकल नया तस्वीरों का रुझान बना हुआ है, एक स्पेशल पोज होता है, ये आप मार के दिखाएंगे। अगली तस्वीर, अगली तस्वीर, सारी हड्डियां बाहर, एक और तस्वीर, एक और तस्वीर। यार मुंह में दर्द नहीं जाता है? अच्छी एक्सरसाइज है, है फेस की एक्सरसाइज। हां इट्स अ वेरी गुड वर्कआउट। आप करते हैं? अच्छा वर्कआउट बना दिया इसने, देखिए ये वाली एक्सरसाइज करती हैं? पिक्चर्स में नहीं करती, वैसे करती हूं घर पे। अगर करती है तो करना बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी बड़ी एक्सरसाइजेस की कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब झूठ है, झूठ। नहीं ये करके दिखाएगी, मुझे ये पता है, ये खान साहब का डिटरमिनेशन बहुत तगड़ी है भाई। बस ठीक है, फिर कब तक वेट करें हम आपको, फिर अपने नए शो में बुलाएंगे, पहले और बाद विद इन 15 डेज। अच्छा चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। हम तो 15 साल से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा भाई सना और मिनाज कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक या रेड? ब्लैक। दोनों ने एक साथ ब्लैक बोला। चलो बड़े हामी आ गए ब्लैक के, अब तो गई तुम परी। रेड है ये देखिए, रेड रेड, ये दो रेड है, ये दो ब्लैक हैं, उधर रेड है उधर ब्लैक है, और बैलेंस है, बैलेंस है, तीन तीन। अभी 1.5 महीने हुए ना, 1.5 साल बाद जो या तो ब्लैक होंगे या रेड होंगे। अल्लाह के फजल करम से रेड होंगे, पता नहीं कौन सा रेड। अच्छा जी एक और मेहमान हमारे रह गए, उनको भी बुलाई लेते हैं। आज मैंने सुना कि शारा फैसल पे ट्रैफिक बहुत जाम है, तो जो लोग अपने घर से अभी निकलने वाले हैं शारा फैसल की जगह, कोई और रोड पकड़ के निकले, वरना जैम ही रह जाएंगे वहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे लोग लेट हो गए हैं आज, देर से आए हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत जैम है, और ये पता नहीं किस खुशी में जैम है। वैसे अब तो जब जैम ना हो तो पूछा जाए कि किस खुशी में जैम नहीं था। ये खबर है ना, ये है यूजुअली ट्रैफिक जैम रहता ही है कराची में। आप देखिए कि इतना बड़ा शहर है, दुनिया का 12वां या 10वां 12वां बड़ा शहर होगा, इसमें ट्यूब ही नहीं है, ट्रेन ही नहीं है, कोई पता नहीं कौन से लोग है जो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग सुख में आए। ट्रेन से टाइम बचेगा, लोगों का पैसा बचेगा, लोग अपने कामों पर जल्दी पहुंचेंगे। पूरी दुनिया में टोनी ब्लेयर जैसा आदमी भी ट्रेन पर सफर करता है भाई, कराची को भी ट्रेन दे दो अल्लाह का वास्ता। अच्छा सुने बात ये है कि हम इस वक्त जो है बातें कर रहे हैं रेड और ब्लैक कलर की, और रेड सिग्नल भी होता है हमारे यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मैं जिनको बुलाने वाली हूँ वो भी एक खतरे की निशानी है। आप यही समझ लें कि ये खतरे की निशानी है, और ये सायरन है, रेड फायर ब्रिगेड का सायरन है, एम्बुलेंस का सायरन है, पुलिस का सायरन है, खतरे का ही है। खतरे का सायरन है, आपकी बहुत सारी तारीफ में हम बुला रहे हैं वाजिद खान को। यार जी अब
अब समझ में आ गई शहर वासे पे ट्रैफिक क्यों रुका हुआ था। बड़ा ट्रैफिक था, बड़ा ट्रैफिक था। अच्छा अम्मी देख रही है, बाजी कह रहा है मेरा रिकॉर्ड भी लगाया जाए क्योंकि शो अम्मी देख रही है। और वाजिद ना बदतमीज है, मैंने इसको खतरे का निशान कहा तो खतरे का अलार्म कहा तो वहां से खड़ा हुआ कह रहा है कि नहीं आऊंगा। वैसे वाजिद वाह वाह वाह, लाल जूते ब्लैक शर्ट, क्या बात है भाई, कॉम्बिनेशन अच्छा है रेड एंड ब्लैक। वाजिद तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, रेड या ब्लैक? दोनों दोनों दोनों, रेड की अपनी ब्यूटी है, ब्लैक की अपनी ब्यूटी है। कलर तो ना इनको तो पसंद, कलर तो मतलब हर कलर की अपनी ब्यूटी है। आप कलर के साथ कपड़ों में आप ले लें, मेकअप में आप ले लें, लिपस्टिक में आप ले लें, तो कलर की एक अपनी ही ब्यूटी है। आप देखें रेड के कितने डिफरेंट शेड्स सबने पहने हुए हैं, तो सबकी अलग ब्यूटी है। इनका काले रंग का फर्क है, उनका फर्क है, उनका फर्क है। सी, तो कलर की अपनी एक ब्यूटी, अपनी डिटेल है कलर की। तो ये सारी चीजें हैं। इनका कुछ ब्लू में जा रहा है, इनका कुछ ग्रे में ब्लैक जा रहा है, इनका प्योर ब्लैक है, यहाँ पे जेट ब्लैक है। यहाँ पे एक नया शो स्टार्ट हो गया मेरा और परी का। आप हाँ वाजिद को कह रही है कि आप बड़ा अच्छा काम करती हैं, पर ये सना करे सबसे अच्छा खूबसूरत होता है। और अगर आप सिर्फ रेड कलर ही पहन लें और उस पर ज्वेलरी ना भी पहने, खाली रेड कलर पहन के रेड लिपस्टिक लगा के कहीं चली जाए तो लोग कहते हैं क्या शादी में चाहिए हो, शादी में जा रही हो? बेस्ट है रेड हमारे कॉम्प्लेक्शन के लिए, आई थिंक इट्स अ बेस्ट कलर, फॉरन फ्रेश कर देता है कितने भी बीमार। रेड कलर हर कॉम्प्लेक्शन चलता है। आप यूजुअली क्या बोलते हैं, जितनी भी मॉडर्न लड़की हो तो जब शादी के बारी आती है तो सब रेड ही प्रेफर करते हैं, हर कोई रेड प्रेफर करता है, क्योंकि आप मॉडर्न हम इतना शूट करते हैं, मेकअप करते हैं, यहां भी परी अलग जा रही थी कि मैं रेड नहीं पहनूंगी, सारी चीजें तो हर लड़कियां रेड। आखिर में क्या सर पीट के वो हम लोग बंटो के पास गए तो हमने बस रेड ही बनवाना है, हम जैनब के पास गए तो हमने रेड बनाना है, हम आमिर के पास गए तो हमने रेड, हर किसी को रेड चाहिए। हाँ। तो रेड रेड इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा कितने रेड फूल दे चुके हो अब तक वैलेंटाइंस डे पे? वैलेंटाइन का अम्मी को दिए, दिए के मिले अम्मी को, दिए अम्मी को, दिए अम्मी को, अम्मी मुझे, मेरा तो अम्मी ही प्यार है, मेरी बहन है, मेरी अच्छा सुने मेकअप मेकअप और बातें करने वाली है। सदा से पहले कितनी लड़कियों को फूल दे चुके हो लाल रंग के? एक दो होंगी बस है, इतने मायूस होंगी। देने की ख्वाहिश तो बहुत सारे होगी, अभी भी चल रही है, जा रही है वो ख्वाहिश। हाँ मतलब किसी को रोज देना कोई बुरी बात तो नहीं है, कभी भी दिया जा सकता है, सही बात है। पहले ये घर पे शुरू कर ले, तौबा करें इस तरह की बातें, इस तरह की बातें नहीं करें, तौबा तौबा तौबा। भाई हर इंसान की जिंदगी में होता है ना कुछ ना कुछ शादी से पहले इस तरह की बातें, लेकिन मुझे रोज देते हैं, रोज रोज देते, रोज रोज। हाँ बाकी ये अगर आप एक्सप्रेस में जाके पूछेंगे वो यही कहेंगे कि रोजाना जो है ना एक फूल लेके मैं जरूर जाता हूँ अगर मुझे मनाना हो। अच्छा, तो रोज आप नाराज होती हैं? रोजाना रूठती है, हाँ एक घंटे के बाद, एक घंटे बाद, एक बिला नागा नहार मुँह ये तीन दफा नाराज होती है। ये गुलाब के लिए है या मोहब्बत बढ़ती है इससे? मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी नेचुरल यार, मोहब्बत भी बढ़ती है और इससे पता भी चलता है कि मुझे फूल ला के देंगे कि नहीं देंगे। और जिस दिन फूल नहीं मिला उस दिन क्या होगा, फूलों की हड़ताल होगी, किसी दिन फूलों की भी हड़ताल हो जाए। नहीं वो है, लेकिन मैं कोई ना कोई गेम कर लेता हूँ, मैंने अगर कोई इरादा कर लिया ना, ये अगर फूल नहीं मिले तो मैं गजरे ले आऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा। और गजरे भी ना मिले दूल्हा भाई तो, दूल्हा भाई दूल्हा भाई और गजरे भी ना मिले तो फिर मैं ले आऊंगा, यकीन कर ले कि मैं जब इरादा कर लेता हूँ ना चीज करने का, मैं तो वो ड्राइंग बना के ना लाल उसको कलर करके वो ही कागज पे लिख के गजरा, कागज पे लिख के गजरा गाना सुना दूंगा। अच्छा जी साकिब, मैंने मेरा नहीं हाल किसी को दी, साकिब कंफर्म झूठ बोल रहा है, सवालात मत करो साकिब, गाली मेरे को नहीं खा रही है जी, मुझे सवाल करने में सही है बैठी, साकिब कंफर्म झूठ बोल रहा है, अक्सर मैंने शूट पे देखा इसको रोज होते हैं। साकिब को 50-70 साल पहले पैदा होना चाहिए था, एक शरीफ आदमी है, आज के दौर में पैदा हो गया। नाइस मैन, वो उनको इस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता पसंद। अच्छा पसंद नहीं तो ये प्यार मोहब्बत की शादी कैसे हो भैया, गुलाब की शादी ये चीजें पसंद नहीं, इतने शाही है और शादी मोहब्बत की, ये चेक करें ये कितना खुला तजाद है, ये कितना खुला तजाद है। नहीं तो जिंदगी में एक बंदा होता है इसके लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या कंफर्म हो गया परी है? हां अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जील सैफुल मलूक गए थे,
झील सेवन में लोग अच्छा जी गाना हो जाए एक और काले रंग पे सुना दें आज तो काला रंग मुझे भी बड़ा पसंद है काले रंग पे क्या गाना होगा काला शाह काला मेरा काला है दिलदार खबरदार आपने काशी भाई कुछ कहा तो ये रंग कभी ना पाया कभी पाके नहीं आजमाया जरा पाके सामने साड़ी पर मैं से आज काला जोड़ा पा साड़ी पर मैं से ए रंग कदी ना पाया कदी पाके नी अजमाया जरा पाके सामने साड़ी पर मैं से आज काला जोड़ा पा साड़ी पर मैं से के सामने साड़ी पर मैं से सब नल साव मिलावा इश्क तेरे नल पावा सब नल साव मिलावा इश्क तेरे नल के सामने साड़ी पर मैं से अज काला जोड़ा पा साड़ी पर मैं से जरा सामने पाके आ साड़ी पर मैं से ए रंग कदी ना पावा कदी पाके नी अजमा अज काला जोड़ा पा साड़ी पर मैं से जरा पाके सामने साड़ी पर मैं से अज काला जोड़ा पा साड़ी पर मैं से जरा पाके सामने साड़ी पर मैं थे। अच्छा आप सलीम जावेद और अरशद महमूद के बीच में कुछ चीज़ नहीं नहीं आपने गलत कहा सलीम जावेद और तहसीन जावेद हाँ आप उनके कजन या भाई लगते हैं बहुत खूबसूरत आवाज बहुत अच्छा गाया वेरी नाइस जी बोलिए सलीम जावेद और तहसीन जावेद दोनों जावेद हाँ क्यों सनास करी और मिनाजस करी नहीं है तुम भी कोई बात नहीं उनके उनके अब्बू का नाम है अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक लेके ब्रेक से वापस आएंगे देखते रहिएगा सतरंगी क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं और कलर जो है आपको नजर आ रहा होगा कलर नजर आ रहा है आप लोगों को बड़ी प्यारी लग रही है भाई वाह 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 क्या बात है और इतनी जल्दी कैसे हो गई है क्योंकि ये डायरेक्ट लिफ्टिंग के कलर्स हैं डायरेक्ट लिफ्टिंग के कलर्स जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं अच्छा, और इनका कलर आया है नहीं स्टे भी ज्यादा ये करेगा क्योंकि ब्लीच नहीं हुई तो ये स्टे भी ज्यादा करेगा
अच्छा, और 20 मिनट में ये रिजल्ट आया है। 20 मिनट्स में जी, 20 मिनट्स में ये आ गया। आप खड़ी हो एक मिनट, ये बैक साइड पे भी देखिएगा, सिर्फ क्योंकि इनके बाल भी काफी लंबे हैं, टर्न करें ये देखें, ऊपर से लेके नीचे तक। और जिस टेक्निक से किया है उसमें बहुत ज्यादा फॉइल्स नहीं लगी, सिर्फ 4 फॉइल्स लगी हैं। ये 4 फॉइल्स में इतना खूबसूरत कलर किया भाई, जबरदस्त। कैसे डायरेक्ट लिफ्टिंग के कलर से? हाई लिफ्ट कलर है। हां नहीं, कट डाउन नहीं किया, बैठ जा बेटा। इंफ्रा के हाई लिफ्ट कलर। तुम क्यों आए हो आज? शैम्पू करो, अब आए हो तो हमें कुछ शैम्पू करते, कुछ ब्लैक रेड मेकअप के बारे में ही बता दो, कुछ रेड लिपस्टिक के साथ कैसा मेकअप हो सकता है। अच्छा, और पता है क्या होगा, ब्लैक आईज, स्मोकी आईज कैसे बनती हैं? आज मैं बताऊंगा सिर्फ स्मोकी आईज, 2 मिनट में पता नहीं कैसे करना है जल्दी ये मेकअप, 2 मिनट में आपका सिर्फ लाइनर और ब्लेंडिंग बस, ठीक है, डन। चलो सही है, बेस हुई भी है यहाँ पे। मैं चाहूंगा, मैंने बहुत पहले एक ड्रामा किया था, दाम दोराहा, दाम तो परी के साथ हमने किया था, परी पर बहुत पहले तो नहीं था वो, मतलब 6 साल पहले के साथ हमने किया था, तो उस वक्त मेकअप भी नहीं था, परी तो बड़ी भी हो गई माशाल्लाह, अब शादी भी हो गई, तो परी का बेस हुआ है, परी का आई मेकअप ड्रामे में तो मौका मिला नहीं करने का, तो हम स्मोकी आईज करेंगे, क्विक मेकअप, क्विक मेकअप, क्विक 3 मिनट हो सकते हैं, 2 से थोड़ा, ठीक है, हम गिव इट टाइम, हम गिव इट टाइम, ठीक है, ओके, चले भाई, टाइम स्टार्ट हो गया है, और ठीक है वाजिद 3 मिनट में देखते हैं क्या करते हैं, वाजिद 3 मिनट हो गए, 1.5 मिनट तो गुजर गया भाई, हमने ये लाइनर है, देखिए मैंने ये लाइनर लिया, लाइनर 3 बेस हुई भी है, हमने सिर्फ लाइनर को थिक लाइनर करना है, पहले एक आंख करके दिखाना, ठीक है, और उसके बाद हमने इस लाइनर को, वैसे ये बहुत होता है, बड़ा कॉमन है ना इनका मेकअप कम करना, मेरा ज्यादा करना, अच्छा आपको नहीं पता, तो मुझे नहीं पता, सीरियसली ड्रामा में मेकअप ही नहीं होता बगैर मेकअप के ही सब आते हैं, मुंह सो के उठ के आते हैं, मुंह धो के वैसे ही बैठ जाते हैं, प्रोड्यूसर है ना इसलिए ऐसा ड्रामा लिखती है कि इसमें मेकअप ना हो, इनको पता है कि दो दो तीन तीन घंटे। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, एक गरीब घर में एक औरत सो के उठ रही है, वो मेकअप के अंदर थे मस्कारे लगे हुए, कैसी लगेगी? मैयत ने मेकअप किया होता है, पाकिस्तान है ये, यहाँ पे तो मैयतों ने मेकअप किया होता है, आप देख ले, आप डेथ सीन देखे, एक ऐसी कहानी मुझे याद आई, मैं बता भी नहीं सकती फुल मेकअप हुआ है, अल्लाह माफ करे, मैं बता देती हूँ बट मैं नाम नहीं लूंगी, हम बाद में पूछेंगे नाम एक मैयत, अल्लाह माफ करे, मैयत का सीन था, एक खातून थी, लिटरली वो जूड़े के साथ मरी, पूरे बैक कॉमिक, उनको बोला कि आप बाल खोले, उन्होंने नहीं खोले, फिर उनको कहा कि उन लाइनर भी लगा हुआ, तो उनको कहा लाइनर हटाए, और वो गई, उन्होंने पहले हटाया बाहर बैठ के, उसके बाद बाथरूम गई, वो फिर लाइनर लगा के खुद आई लिपस्टिक लगा के पाउडर करके आई है, कुछ दिखे ना, इमेजिन बैक कॉमिंग के साथ एक इंसान मारा मैं तो ये भी देखा है कि मैं ज्यादा नहीं रो सकती, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। हमारे हम ड्रामे में अभी हम क्लिक करें, उनमें एक एक्ट्रेस को हमने ले लिया, वो उनकी शादी रुक गई है और वो छुरी से अपना हाथ काट रही है, अब हम कह रहे हैं भाई रेड कलर की लिपस्टिक बिल्कुल जो मेरे नहीं लगी ये वाली रहा, ये तो उनसे कहा कि भाई ये लिपस्टिक तो हटा दें, आप मर रही हैं, आपकी शादी रुक गई है, इंसान खुदकुशी कर रहा है, नहीं ये क्या बात हुई, आप लिपस्टिक एक मिनट में एक आंख हो गई है, ठीक है, अब हम दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से नहीं क्यों करेंगे, अलग मेकअप क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि आंखें बंद कर देना, टेढ़ी कर देना, अच्छा हम ये होता है, सिर्फ लाइनर है, सिर्फ लाइनर हमने थिक लाइनर लगाना है, फिर तो मेकअप आर्टिस्ट को तोहफे भी दिए जाते हैं, टेढ़ी करो बिल्कुल, आई एम श्योर दिए जाते होंगे, अंडरग्राउंड चल रहे होंगे, फेवर चल रही होंगी, ये चल रहा होगा, बहुत करती है खबर,
हमने तो हर हमेशा अपना खुद ही किया है, जरूरत नहीं टेंशन लेने की। अच्छा हमें तो ऐसे रोल ही नहीं मिलते कि मेकअप करना पड़े। कोई बात नहीं, आपको दे देंगे कोई ऐसा रोल। क्यों? और जी परी की आंखें कंप्लीट हो चुकी हैं और वाजिद के हाथ जिस तेजी से चल रहे हैं बिल्कुल उसी तेजी से वाजिद की जबान भी चलती है और थैंक यू। तो वो नमाज पढ़ रहे थे, वो हमारी सीनियर कुलीग भी उनको देख रही थी, उन्होंने कहा आपने इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली, कहते आती है हो गया जी। तालियां ना मार बस, तालियां ना मार। अच्छा नहीं काजल भी लगा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा बना भी लगा रहे हैं, बाजू तो बहुत अच्छी कर दिया आगे। आप सना कह रही मेरी भी अच्छी बनाओ, 3 मिनट और लगाओ। नहीं ये 2 मिनट तो जो है ना इसने एग्जैजरेट किया, कम से कम इसने 7-8 मिनट लिए। कम नहीं नहीं क्या हो गया 7-8 मिनट? नहीं नहीं कम से कम आपके ख्याल में कितने टीम मिनट लिए हैं वाजिद ने? 5 मिनट। अब टचअप कर रहा है, एक्चुअली वाजिद को टचअप में ज्यादा टाइम लगता है। गुड आपके ख्याल में इतनी जल्दी तो मेकअप कोई नहीं कर सकता, जितना ही माइक दिखाएगा मैं ऑडियंस से जरा सवाल करना क्या बात है। किस किसने मेकअप किया हुआ है यहाँ पे? आ जाओ परी। कितना टाइम लगा आपको मेकअप करने में, पूरा मेकअप करने में? 15 मिनट। शादी हुई है? नई नई शादी भाई, दुल्हन है, मुबारकबाद दीजिए। अच्छा भाई मुबारक, अच्छा लग रहा है, दिखाओ आप। अच्छा सभी दुल्हन मेकअप किस किस लगा है? आप कितना टाइम लगाती है मेकअप करने में? 20 मिनट लगा। 20 मिनट सही, सिर्फ सिंगल आई शेड और लिपस्टिक और कुछ भी नहीं है, 20 मिनट वो सबसे अच्छी थी। आपने मेकअप कितनी देर में? 20 मिनट। तो क्या है कि मेकअप मेकअप कोई जंग नहीं है? मेकअप बेसिकली एक बहुत एक थिन लाइन है अच्छे मेकअप और बुरे मेकअप में, उस लाइन को सिर्फ समझना है। बहुत ज्यादा लगा देंगे तो आप चीजें बिगाड़ सकते हैं, कम चीजों में आप मेकअप को अपनी फीचर्स को एनहांस करना, दैट्स अ टेक्निक। तो हम वही सिखाना चाहते हैं सतरंगी के शो पे आके, कि जो लड़कियां हमें हमारा शो देख रही हैं, जो सीखना चाह रही हैं, तो हमारे शो को फॉलो करें। वाजिद खान ने अब मेकअप सिखाना शुरू किया है और कंप्लीट मेकअप सिखाते हैं ये। अगर आपने मेकअप सीखना है वाजिद खान से तो 50% डिस्काउंट पे आपको वाजिद खान पूरा मेकअप स्टाइलिंग के साथ सिखाएंगे। तो जी इनका जो सलोन है आप वहाँ जाएं और मेकअप सीखें। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरी एक कज़न अमेरिका से मेकअप सीख के गई है, वहाँ से आई हैं, इनसे मेकअप सीख के गई हैं, सिर्फ 20 दिन के लिए इनसे मेकअप सीखने के लिए आई। सनम हाँ मैं सऊद की भतीजी अमेरिका से आई थी, जबकि वापस ने बड़े कोर्सेज किए हैं मेकअप के, लेकिन वो इससे सीखने आई। वहाँ का मेकअप बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ के मेकअप, टोटली डिफरेंट, कलर पैलेट ही अलग है। बिल्कुल एशियंस के साथ बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, हमारा जो टी जोन है, हमारी पिगमेंट ही फ़र्क है स्किन की, टी जोन हमारा फ़र्क है, हमारा अंडर आई फ़र्क है, हमारा चिन एरिया फ़र्क है। सो उनका गोरे होते हैं, उन्हें इतनी फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, तो सिर्फ उनके सिर्फ फ्रैकल्स को ही हाइड करना होता है। हमारी जब तक आप पूरी प्रॉपर बेस ना करें तो आपके बिल्कुल एग्जैक्टली तो हमारे लोगों को चाहिए ही पूरा प्रॉपर मेकअप। तो छोटी छोटी सी चीजों में आप चीजों को एनहांस करना वो मेन चीज है। यार बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आंख का एक लाइनर लगाओ दूसरे में आप बैलेंस ही करते रह जाओ, दैट्स इट। नहीं और बहुत सारे लोग जब मेकअप करते हैं तो आंखें बहुत चाइनीज सी बना देते हैं, तो मेरा मेन फोकस ये है कि मैं टेक्निक दूँ। बेसिक कोर्स के मतलब ये नहीं होते कि बेसिक के मतलब है कि मैंने आपको पाउडर लगाना सिखा दिया या मैंने आपको स्टिक एप्लीकेशन, नो, बेसिक के मतलब ये है कि मैंने आपको लाइनें ड्रॉ करना सिखा दी, अब कलर आप अपनी मर्जी से डालें। सही, वो क्रिएटिविटी आपकी अपनी है। अच्छा जी कुछ सवाल आते हैं आप लोगों से, तो सबसे पहले परी और साकिब से एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। 5 लाल रंग की सब्जियों के नाम बताइए। लाल चौलाई है, ओए होए लाल चौलाई आपने बताया, लाल टमाटर और सब्जियां, लाल सब्जियां, गाजर, गाजर, चुकंदर, चुकंदर, टमाटर, टमाटर, एक और रेगिश, लाल मिर्च, लाल मिर्च, ऑन एयर चीटिंग हो रही है। हां देखो जरा, और वो कॉन्फिडेंस देखिए परी का, माइक में आवाज नहीं आ रही होगी, और कॉन्फिडेंस परी का चेक करें बराबर बदल लाल मिर्च। ठीक है ऐसा ना, सबसे मुश्किल सवाल तुमसे करूंगी मैं। अच्छा जी 5 काले जानवरों का नाम बताइए। टीपू एंड मिसेस टीपू, रीच, बंदर,
बंदर काला कब होता है? कब क्यों नहीं होता? हाँ होता है होता है। कौवा, कौवा, उसके बाद क्या कहते हैं? डॉग, काला, ब्लैक पैंथर, डॉगी। अच्छा हाँ, बहुत हो गए। सांप, बिच्छू, चमगादड़, सारे खतरनाक जानवर ऐसे काले में हैं। वाकई बंदर के अलावा काला होता है? बंदर के अलावा नहीं, काला चीता होता है ना, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर से तो शेर, शेर की नस्ल होती है मैं ख्याल में, वो उसमें वाइट भी है। इट इज अ कैट, नहीं वो तो खाला होती है। वो तो शेर की खाला होती है। अच्छा जी, पांच लाल फलों के नाम बताएं। मैं दोबारा से बताऊं? सेब। अच्छा हाँ, वो सब्जियां थी। सेब, सेब, चेरी, स्ट्रॉबेरी, लीची, अनार। अनार, गुड। वाह, सो स्मार्ट। और बाकी है कैसे? सेब, चेरी, लीची, स्ट्रॉबेरी, अनार, पांच। लीची इज नॉट रेड, लीची लीची इज वाइट होती है। लीची इज रेड, ऊपर तो रेड है। अच्छा अभी रेड चले, टमाटर, टमाटर फ्रूट में भी आता है। चैलेंज जी, ठीक है, तालियां बजाइए जी। अब जो मुश्किल सवाल आने वाला है, हां, तीनों जोड़े एक एक मुहावरा बताएंगे लाल और काले पे। बूढ़ी घोड़ी लाल। कितना जल्दी से इससे हो गया, क्या कह रहे तुम्हें? नहीं मुझे नहीं कह रहे। बूढ़ी घोड़ी लाल। चलो एक तो हो गया, दूसरा जो मुझे आता था वो इन्होंने ही बोल दिया। हमें भी यही आता था, अभी इतने ऑन द स्पॉट नहीं आ रहे। आसान है भाई, काले और लाल पे मुहावरे, हार जाएंगे आप लोग, सोच लें। दाल में कुछ काला है। अच्छा ये हो रहा है? हाँ, दाल में कुछ काला है, साकिब ने बता दिया भाई। अब तेज बनते हैं। दाल ही काली है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। सना, क्यों मिला? सना, अस्करी, 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 सना, अस्करी, सना, अस्करी, सना, अस्करी, सना, अस्करी, सना, अस्करी, एक रह गया। यहाँ दाल ही काली है, पूरी दाल ही काली है, ये पूरी दाल ही काली है। अनार पे भी तो है ना, एक अनार सो बीमार, वो भी रेड है। नहीं नहीं नहीं, लाल और काले की बात हो रही है, चीटिंग है भाई। हाँ जी, आप लोग को आता है किसी को मुहावरा लाल और काले पे? इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ, तो फिर भी एक दो लोगों से आपको आता है? आपको आता है? दुल्हन को आता है शायद? आता है? दुल्हन से मैं पूछना चाहूंगा क्या है, बोलिए। सारे काले मेरे बाप के साले। सारे काले मेरे बाप के साले। एक और भी है, पंजाबी में बचपन में करते हैं। काले काले अल्लाह दे प्यारे, गोरे गोरे गूं दे बोरे। भाभी फिर आप पे अटैक किया। तौबा जानू, मैं पागल हूँ। वैसे वो भी होता है ना, आज क्यों लाल पीले हो रहे हो? हाँ, लाल पीले हो, लाल पीले हो रहे हो, कहाँ मुंह काला करवा के आए हो? बताओ। अच्छा जी, बताओ। अच्छा जी, अच्छा वाजी फरदाना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत स्ट्रिकिंग की, और एक बार फिर इनके लिए तालियां बजाइए। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और एक्टिविटीज है वो करेंगे, तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। फनकार खड़े हुए हैं जो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते, डायरेक्शन ही नहीं करते, बल्कि वो बचपन में जिस तरह ड्राइंग की करते थे स्कूल में, कैसी थी आपकी ड्राइंग वैसे? मेरी, मैं अपनी वालदा से बनवाता था यूजुअली। आप क्या करोगे बेटा, अम्मी नहीं है यहाँ पे। आपकी ड्राइंग कैसी है? नॉर्मल, कोई इतनी खास नहीं। वो तो देख लो, हेलो, टक टक टक, कोई है? तो जी, पेंटिंग करनी है, और काला और लाल रंग होता है इसमें। हमारी ये प्यारी प्यारी लेडी बर्ड्स हैं और ये मॉडलिंग कर रही हैं, तो आपने पेंटिंग स्टार्ट करनी है, और आप लोगों ने ये गिफ्ट रैपिंग करनी है रेड और ब्लैक पेपर से। ठीक है, चीज़ें हमने आपको दे दी हैं, जिस चीज़ की चाहे आप रैपिंग करें, इस पर खूबसूरत सजाना है। और वाजिद खान, आप फारिग बैठे रहेंगे आज, गाना गा लें, कोई गाना गा लें, कोई सरप्राइज नहीं, तुम हर शो में गाना गाते हो, ये कोई सरप्राइज नहीं है।
तो बाजी के गाने से आप स्टार्ट करेंगे। कौन गा रहा है? काशी भाई साथ गा रहे हैं। आ जाइए जी, तो मैं शुरू करें। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। कमीज तेरी काली नी सोना फुलवानी, कमीज तेरी काली नी सोना फुलवानी, कमीज तेरी काली नी सोना फुलवानी, पावे बसे तू बोले बस करनी रे तेनू ले कमीज तेरी काली सोने भुलवाली। नी कजले दी थारी नी अख तेरी वारी, नी कजले दी थारी अख तेरी वारी, तेरी अख दा काजल बन जांदी ए गजल पे लिख देने गीत निखारी, कमीज तेरी, कमीज तेरी, कमीज तेरी काली नी सुने फुलवाली। चले जी, कुछ भी नहीं हो सका। आ जाइए जी, यार, आपका हो गया। चेक करें, चेक करें आप ये ले आइए जी, ले आइए। अच्छा जी, आप इधर आ जाएं सब। किसी ने कुछ दिखाइएगा आपने क्या किया? बस एक काफी है, काफी है। लाइए जी, ये आप देखें, ये सना ने गिफ्ट रैप किया है और ये टॉफी जो है ये की है परी ने, और परी ने दो की है भाई पैकिंग, ये भी पैक कर दिया है माशाल्लाह से। और जी दोनों मिस्टर एंड मिसेस बहुत लेट हैं। इतना ट्रेंडी बनाया थी। क्या बात कर दी, इतना ट्रेंडी दिखाइए जरा। वाह 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 वाह, देखिए जरा चक्का पैकिंग करवा रहे हो आप लोग हमसे। चले जी, टाइम खत्म हो गया, आ जाइए। शुक्र, टाइम खत्म, अभी आप शो के बाद बनाइएगा। आ जाओ भाई, आ जाए, बहुत सारी तालियां सबके लिए। केक काटेंगे हम। और जी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये प्यारा सा केक बनाया है
अफशील इमरान ने बनाया है। और अगर आप अपने घरों में पार्टीज में चार चांद लगाना चाहते हैं तो मामास केक से केक जरूर बनवाइएगा। मामास केक, आइए जी, चलिए ये नया नवेला जोड़ा इनसे करते हैं। आइए आइए आइए, परी का नहीं, बहुत पुराने पकड़िए जी, आ जाओ हम अपना गला। अरे एक सेकंड, टीपू को बुला ले कोई, टीपू का तो ड्राइंग ही नहीं खत्म हो रही, आर्टिस्टिक हुआ है। अरे अच्छा लग रहा है, तजरीदी आर्ट किया टीपू ने लेडी बर्ड पे। आ जाओ गुड़िया, भाभी आइए। हाँ जी, साथ में काटो जी, केक काटिए जी, चलो काटे काटे काटे, आप काटे, आइए आपका शो है। और जी आज लाल और काले रंग का डे हमारा मुकम्मल हुआ, अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियों के रंग फैले। जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी, देखते रहिएगा सतरंगी। अल्लाह हाफिज़।